नारायणम् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल यहां तक हुआ कि कर्ण वगैरह युद्ध भूमि के लिए तैयार हुए, युद्ध किया और पांडव सेना को कभी कौरवों ने और कभी कौरवी सेना को पांडवों ने हराया। और फिर रात्रि विश्राम हुआ और विश्राम करके विश्राम के अंदर सब लोग अपने अपने शिविर में चले गए। अब राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय इसके बाद प्रिय पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? वह मंदबुद्धि तो कर्ण का सहारा पाकर पांडवों को उनके पुत्र और कृष्ण के सहित परास्त करने का दम भरता था, किंतु बड़े ही खेद की बात है कि कर्ण अपने पराक्रम से संग्राम में पांडवों से पार पा सका नहीं और निस्संदेह जय पराजय अब तो भाग्य के अधीन ही है। मालूम होता है अब जुए का परिणाम हमारे पुत्रों को भोगना ही पड़ेगा। हाय, इस दुर्योधन के कारण मुझे कांटे के समान अनेकों तीव्रतर कष्ट सहने पड़ते हैं। मैं नित प्रति अपने पुत्रों के ही मारे जाने और परास्त होने की बात सुनता हूं। संजय, इन पांडु पुत्रों को कोई नहीं मारता, ये मरते नहीं। इन पांडवों को रोकने वाला हमारी सेना में कोई नहीं था क्या? ऐसा वीर क्या हमारे सेना में एक भी नहीं? संजय ने कहा, महाराज जो पुरुष बीती हुई बात के लिए बाद में सोच विचार करता है उसके समान संसार में कोई मूर्ख नहीं है। उसका काम तो बनता नहीं और चिंता उसको छोड़ती नहीं। अब आप पिछली बातें याद करते हैं, जब आपको पिछले उस समय में सावधान किया तो आप मोह के कीचड़ के अंदर फंसे हुए थे और अब आप कहते हैं हम वो मान लेते तो ठीक था, वैसा कर लेते तो ठीक था। महाराज आपको इस कार्य में सफलता तो मिलनी बड़ी दूर की बात, क्योंकि पहले जानबूझकर भी आपने इसके औचित्य अनौचित्य के विषय में विचार नहीं किया। सुनिए, पांडवों ने तो आपसे कितनी बार कहा कि लड़ाई मत ठानिए, किंतु आपने मुंह बस सुना ही नहीं। आपने पांडवों के ऊपर बड़े बड़े जुल्म ढाए। इस समय आप ही के कारण सारे राजाओं का घोर संहार हो रहा है, परंतु जो बात बीत गई उसके विषय में अब चिंता करने से क्या लाभ। अब तो वो सुनो कि जो आगे हो रहा है। सुनाओ, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो संजय? संजय ने कहा, महाराज रात्रि भर विश्राम करने पर कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया और कहने लगा, राजन आज मेरी अर्जुन के साथ मुठभेड़ होगी, उसमें या तो मैं उस वीर का काम तमाम कर दूंगा या वो मुझे मार डालेगा। मैं इंद्र की दी हुई शक्ति तो खो बैठा हूं, इसलिए आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा करेगा। अब जो काम की बात है वो सुनिए। मेरे और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का प्रभाव तो बराबर है, किंतु शत्रु के पराक्रम को कुचलने में, हाथ की सफाई में, युद्ध कौशल में, अस्त्र संचालन में अर्जुन मेरे समान नहीं है। इसके सिवा बल, पौरुष, विज्ञान, पराक्रम और निशाना साधने में भी अर्जुन मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। दुर्योधन, मेरा ये जो विजय नाम का धनुष है इसे विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था। इसके द्वारा इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र ने ये श्रेष्ठ धनुष परशुराम जी को दिया था और परशुराम जी ने ये मुझे दिया था। ये परशुराम जी का दिया हुआ प्रचंड धनुष
गांडीव धनुष से बढ़कर है। इसके द्वारा परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को जीता था। इसी से अर्जुन के साथ मेरे दो दो हाथ होंगे, आज संग्राम भूमि में विजयी होकर अर्जुन को धराशायी करके मैं आपको और आपके बंधु बांधवों का अभिनंदन करूंगा। जिस प्रकार धर्म में पूर्ण अनुराग रखने वाले संयमी पुरुष का कार्य में सफलता पाना स्वाभाविक है, उसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं आपके लिए न कर सकूं। परंतु दुर्योधन आश्चर्य में डूब गया, परंतु क्या? परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कमजोर हूं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो, बहुत सूक्ष्मता से कर्ण ने अध्ययन किया है अर्जुन का, क्योंकि प्रत्येक योद्धा को अपनी सच्चाई और शत्रु की सच्चाई समझनी चाहिए। मैं अर्जुन से कम हूं वो भी आपको बता देता हूं। अर्जुन के धनुष की डोरी बड़ी दिव्य है, कहां ध्यान गया उसका? अर्जुन के धनुष की डोरी बड़ी दिव्य है, उसका तर्कस अक्षय है, तथा उसके पास अग्निदेव का दिया हुआ दिव्य रथ है जो तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा उसके घोड़े मन के समान वेग वाले हैं और ध्वजा चमचमाती है, बड़ी दिव्य है, तथा उस पर बैठा हुआ एक आश्चर्य में डालने वाला बानर है। उस बानर को देखते हैं तो हृदय कांपने लगता है। और सबसे बढ़कर बात तो यह है दुर्योधन, कि जगत की रचना करने वाले स्वयं कृष्ण उसके सारथी और रक्षक हैं। इन सब बातों की मेरे पास कमी है, तो भी मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता हूं। तुमसे एक बात कहूं, हमारे पक्ष में महाराज शल्य अवश्य ही कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। यदि वे मेरे सारथी बन जाएं, तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है। अतः आप इन्हें मेरा सारथ्य स्वीकार करने के लिए तैयार कीजिए। इसके अलावा कई छकड़े मेरे लिए बाण लेकर चलें, तथा बढ़िया बढ़िया घोड़ों से जुते हुए कई उत्तम रथ मेरे पीछे पीछे चलें, क्योंकि अर्जुन मेरे रथ को तोड़ देगा तो दूसरे रथ पर बैठ जाऊंगा, उसको तोड़ेगा तो दूसरे रथ पर तुरंत चला जाऊंगा। उस समय रथ की नई आवश्यकता न हो, इसलिए रथ पहले से ही मेरे साथ रहने चाहिए। महाराज शल्य श्री कृष्ण के समान अश्व विद्या के मर्मज्ञ हैं। यदि ये मेरे सारथी हो जाए तो मेरा रथ श्री कृष्ण के रथ से भी बढ़कर हो सकता है। फिर तो इंद्र के सहित देवताओं का भी मेरे सामने आने का साहस नहीं हो सकता। बस दुर्योधन, केवल केवल इतना प्रबंध चाहता हूं कि मेरे सारथी शल्य बने, फिर मैं संग्राम भूमि में जो काम करके दिखाऊंगा उसको देखकर आप भी आश्चर्य करेंगे। अजी, फिर तो जो भी पांडव वीर संग्राम में मेरे सामने आएगा उन्हें मैं सर्वथा परास्त करके ही छोड़ूंगा, बच नहीं सकेगा कोई। संजय ने कहा, जब कर्ण ने आपके पुत्र से इस प्रकार कहा तो दुर्योधन ने बड़े प्रसन्न चित्त से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अरे कर्ण, तुम्हारा जैसा विचार है मैं वैसा ही करूंगा। छकड़े, रथ सब तुम्हारे साथ चलेंगे, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। सच बताएं कर्ण, हम तो भीष्म पितामह को या द्रोणाचार्य को केवल लिहाज में सेनापति बनाए थे, हम तो शुरू में ही तुमको ही सेनापति बनाना चाहते थे, परंतु पितामह भीष्म को और द्रोणाचार्य को छोड़कर तुम्हें बनाने में उनको संभवतः आपत्ति हो सकती थी। अब हमारे लिए हर्ष का दिन आ गया है राजन। चलो, अपने शल्य के पास चलते हैं। हे धृतराष्ट्र महाराज, कर्ण से ऐसा कहकर
कर्ण को साथ लेकर आपका पुत्र बड़े विनय से, स्वार्थ भाव से, विनम्रता दिखाता हुआ महारथी शल्य के पास गया और बहुत प्रेम से कहने लगा, हे मद्रराज, आप बड़े सत्यव्रत महाभाग और वक्ताओं में अग्रगण्य हैं। मैं धृतराष्ट्र नंदन दुर्योधन आपको सिर झुकाकर अत्यंत विनय के साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूं। हे महाराज, मेरी वाणी पर आप विचार मत कीजिएगा, मेरे भाव पर विचार कीजिएगा। आप अर्जुन के नाश और मेरे हित के लिए केवल प्रेम के नाते कर्ण का सारथी होना स्वीकार कर लीजिए। आपके सारथी बन जाने पर ये राधेय कर्ण मेरे शत्रुओं का परास्त कर देना सुगमता की ओर चलेगा। आपके सिवा कर्ण के घोड़ों की रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राम में साक्षात श्री कृष्ण के समान हैं। अतः जिस प्रकार त्रिपुर युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की सहायता की थी, तथा जैसे श्री कृष्ण संपूर्ण आपत्तियों में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए। आरंभ में ही शत्रुओं की सैन्य शक्ति कम होने पर भी उन्होंने हमारी बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला था, फिर इस समय की बात ही क्या है। भीष्म और द्रोण के रहते हुए भी हमारी सेना पांडवों से धूल चाटने लग गई। अब हमारे पास न भीष्म है न द्रोण है, बड़े बड़े और योद्धा भी चले गए। पांडवों का उत्साह तो बहुत बढ़ गया है, इसलिए पांडवों के साथ अब हमें बहुत आक्रामक युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे पांडव लोग मेरी रही से ही सेना का संहार न कर सके। पहले संग्राम भूमि में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का संहार नहीं कर सकता था, किंतु अब श्री कृष्ण का साथ होने से ही उसकी इतनी शक्ति बढ़ गई है। माने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन कितने युद्ध कर चुका, वहां कृष्ण सारथी नहीं थे, इतनी शक्ति नहीं थी, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब पांडवों की सेना में आपके और कर्ण के हिस्से का ही भाग रह गया है, उसे आप कर्ण के साथ मिलकर आज एक साथ नष्ट कर दीजिए ना। हे मद्र नरेश, आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे पांचाल और सिरजियों के सहित ये कुंती के सारे पुत्र नष्ट हो जाए। ये कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों में उत्तम है। आप दोनों का संयोग संसार में कभी हुआ नहीं, आप दोनों जैसा संयोग संसार में कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। जिस प्रकार श्री कृष्ण सब अवस्थाओं में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब अवस्थाओं में कर्ण की रक्षा कीजिए। आपके सारथी बन जाने पर कर्ण इंद्र और समस्त देवताओं के लिए भी अजेय हो जाएगा, फिर पांडवों की बात ही क्या है। दुर्योधन की बात सुनकर शल्य एकदम क्रोध में भर गए, उनकी भौवों में बल पड़ गए, हाथ पैर सब कांपने लग गए क्रोध के कारण। उन्हें अपने कुल ऐश्वर्य विद्या और बल का बड़ा गर्व था, इसलिए उन्होंने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, दुर्योधन, अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है, इससे तुम मुझे सारथी का काम करने की आज्ञा देते हो? तुम कर्ण को मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो, उसके सामने मेरी प्रशंसा करते हो, किंतु मैं उसे संग्राम में अपने समान क्या अपने से आधा भी नहीं समझता। तुम में जो बड़े से बड़ा वीर हो उसे मेरे हिस्से में कर दो, मैं उसे संग्राम में जीतकर अपने घर चला जाऊंगा, अथवा आज अकेला ही युद्ध करूंगा। तब तुम शत्रुओं का संहार करते समय मेरा पराक्रम देख लेना। जरा मेरी इन वज्र के समान मोटी और गठिली भुजाओं को देखो, तथा मेरे विचित्र धनुष, सर्प के सदृश बाण और सुवर्ण पत्र से मणि हुई गदा पर तो दृष्टि डालो।
मैं अपने तेज से सारी पृथ्वी को फोड़ सकता हूं, पर्वतों को छिन्न भिन्न कर सकता हूं, समुद्र को सुखा सकता हूं। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्ण समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूत पुत्र का सारथी होने का काम देते हो। मैं इस नीच की अपेक्षा सभी प्रकार श्रेष्ठ हूं, इसलिए उसका दासत्व कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये मुझे आदेश देगा, रथ को आगे बढ़ाओ, रथ को दायां ले, रथ को बायां ले चलो। वाह दुर्योधन, आपने इतना मुझे मूर्ख समझ रखा है। जो पुरुष प्रेमवश अपने आश्रित हुए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को नीचे पुरुष के अधीन कर देता है, उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का पाप लगता है। ये तुम्हें पाप लगेगा, मैं इस नीच की सेवा करूंगा तो तुम्हें पाप लगेगा और मुझे भी पाप लगेगा। आपको मालूम होगा ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को अपने मुख से बनाया है, क्षत्रियों को भुजा से बनाया है, वेश्यों को जंघा से बनाया है और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। अब देखो, मुख से भुजा नीची और भुजा से जंघा नीची, जंघा से पैर नीचे, इनमें क्षत्रिय जाति सब वर्णों की रक्षा करने वाली है, सबसे कर लेने वाली और दान देने वाली है। ब्राह्मण का काम यज्ञ करना, पढ़ाना और विशुद्ध दान लेना है। वैश्य का काम कृषि, गोपालन और धर्मानुसार दान देना है। शूद्र का काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा करना है। ये बात तो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी कि एक क्षत्रिय शूद्र की सेवा करे, सूद पुत्र की सेवा करे। मैंने राजर्षियों में जन्म लिया है दुर्योधन, मेरे मस्तक पर शास्त्रानुसार राज्याभिषेक किया गया है, लोग मुझे महारथी कहते हैं। जब मैं अपने महल से निकलता हूं तो बंदीजन मेरी स्तुति करते हैं। ऐसा होकर मैं सूत पुत्र का सारथी बनूं, बोलने से पहले तुम्हारी जीभ में आग नहीं लग गई? ये मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार अपमानित होकर मैं यहां युद्ध नहीं कर सकता। दुर्योधन, मैं अपने घर जाने की छूट मांगता हूं। मैं अपने घर जा रहा हूं, मुझे इस युद्ध से क्या लेना देना। पुरुषिंग शल्य ऐसी बात कहकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और वहां उनके पास जितने राजा बैठे थे सबने क्रोध पूर्वक जाने का निश्चय किया और कहा, दुर्योधन ये आज्ञा हमारे महाराज नहीं मान सकते। दुर्योधन ने देखा कि ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई। दुर्योधन अब हाथ जोड़ने लगा, मीठे वचन कहने लगा, समझाते हुए कहने लगा, राजन आप अपने विषय में जैसा समझते हैं मैं आपको उससे भी ज्यादा महारथी समझता हूं, बहुत बलवान और आपके अजेय रूप को जानता हूं, पर मेरे कथन का जो अभिप्राय है जरा आप उसको सुनिए। आपके कुल में जितने पुरुष हुए हैं सब सत्य भाषण करने वाले हुए, सब श्रेष्ठ योद्धा हुए, धनुर्धर हुए, गदाधर हुए, अजय हुए। मैं समझता हूं इसी से आप आर्ता यानी कहलाते हैं तथा आप अपने शत्रुओं के लिए शल्य के समान हैं, इसलिए आपको शल्य के नाम से विख्यात किया है। शल्य माने कांटा। आप धर्मज्ञ हैं और आपने मुझे वरदान दिया है कि दुर्योधन तुम्हारा प्रिय करने का मैं तुम्हें वचन देता हूं। आप अपने वचन के अधीन हैं। बीच में आप पलायन करेंगे तो आपको अपने वचनों का पालन न करने का दोष भी लगेगा। मैं उस दोष में आपको नहीं जाने देना चाहता हूं। आपकी अपेक्षा न तो कर्ण बलवान है, न मैं बलवान हूं और न हमारी सेना में और न कोई पांडवों की सेना में, इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। आप अश्वविद्या के श्रेष्ठ ज्ञाता होने के कारण से मैं पुनः निवेदन करता हूं, कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है और आप अश्वविद्या में कृष्ण से भी बढ़कर हैं। इस पर राजा शल्य ने कहा, दुर्योधन सब सेना के सामने तुमने मुझे कृष्ण से बढ़कर बता दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं। फूट गया भाई। अच्छा लोग
मैं कर्ण का सारथी होना स्वीकार करता हूं, किंतु कर्ण के साथ मेरी एक शर्त होगी, वह यह है कि युद्ध के समय मैं उससे चाहे जैसी बात कह सकूंगा, उसमें वह किसी प्रकार की आपत्ति न करे। ये यदि इस कर्ण को मंजूर है तो सारथी बन जाऊंगा। इस पर कर्ण ने और आपके पुत्र दुर्योधन ने दोनों ने बहुत अच्छा कहकर शल्य की बात स्वीकार कर ली। आपका पुत्र दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। आपके पुत्र दुर्योधन ने कहा, महाराज शल्य, आप इस विषय को और दृष्टि से मत सोचना। मैंने मार्कंडेय ऋषि से, अपने पिता के मुख से एक आख्यान सुना है जो मार्कंडेय ऋषि ने उनको सुनाया था, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। पहले एक तारकामय नाम का संग्राम हुआ था, देवताओं ने दैत्यों को परास्त किया था। ये कब की बात है? जब तारकासुर के तीन बेटों ने, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, इन तीनों बेटों ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वर देने के लिए आए, तो उन तीनों ने सर्वेश्वर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे पितामह, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम तीन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरण करते रहे और 1000 वर्ष तक हम तीनों अलग अलग रहे, 1000 वर्ष के बाद हम तीनों मिले, और जब हम तीनों मिल जाए पर हम तीनों के नगरों पर एक ही बाण से हम नष्ट हो सके, वही हमारी मृत्यु का कारण हो और कोई हमें न मार सके। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब क्या था, ये दैत्य आपस में सलाह करके मैं दानव के पास गए और मैं दानव से कहा कि मैं दानव जी, आप हम तो एक ही हैं, आप तीन प्रकार के नगर तैयार करो, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। सोने का नगर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का पृथ्वी में रहेगा और इच्छा अनुसार जा आ सकता है, ऐसा बना दीजिएगा। इनकी लंबाई चौड़ाई 100-100 योजन, अच्छी बात, बना दिया। सोने का जो नगर था वो तारकाक्ष का बना, चांदी का जो नगर था वो कमलाक्ष का बना, लोहे का था वो विद्युन्माली का बना। इन तीनों दैत्यों ने अपने शस्त्र बल से तीनों लोगों को काबू में कर लिया और दैत्यों के पास करोड़ों दानव योद्धा आकर रहने लगे और इन्होंने देवताओं को परेशान करना चालू किया। इन्होंने ऐसी तपस्या की, ब्रह्मा जी को फिर खुश किया और खुश करके उन्होंने अपने नगर में ऐसी बावड़ी बनाई कि जिस बावड़ी के अंदर घायल या मरा हुआ सैनिक डाल दिया जाए तो वापस जीवित हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, अब देखते लोगों में से कोई मरता तो इस बावड़ी में डाल देते तो सब जीवित हो जाते। अब बिचारे देवता लोग इनको क्या मारे, कहां मारे, मारे तो ये तो जीवित हो जाए, मारे तो जीवित हो जाए। देवता लोग बड़े परेशान हो गए क्योंकि दुष्ट दानवों ने सब जगह मर्यादाओं का उच्छेदन कर दिया था। इस प्रकार इंद्र ने एक बार उन पर आक्रमण किया लेकिन वो आक्रमण उनका निष्फल हुआ। तब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैं तो इनके साथ युद्ध कर नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने इनको वरदान दिया है, अब तुम महादेव जी के पास जाओ, महादेव जी के अलावा कोई भी इनसे युद्ध करने में समर्थ नहीं है तीनों नगरों से। तो ये ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रादि सब देवता ब्रह्मा जी के साथ ही महादेव जी की शरण में गए। महादेव जी तो आशुतोष अपने शरण में पड़े हुए देवताओं को कहने लगे,
बोलो देवताओं, आप लोग कैसे आए, आपकी क्या कठिनाई है। देवताओं ने स्तुति की, महाराज आप ब्रह्म स्वरूप हैं, सभी के अधीश्वर हैं, सभी के नियंता हैं, आप मनुष्य गौ यज्ञ आदि के स्वामी हैं और हम आपके शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, बोलो देवगणों, भय को छोड़ो, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस पर जब महादेव जी ने देवता ऋषि और पितृगण को अभय दान दिया तो ब्रह्मा जी ने सत्कार करके संसार के हित के लिए कहा कि महाराज क्या बताऊं, मैंने तीन दानवों को वरदान दे दिया था, तीन पुर बन गए, उसमें असंख्य दानव रहते हैं, सबको परेशान करते हैं, हम तो आपको यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप इन तीनों से छुटकारा दिलाओ। महादेव जी ने कहा, देवताओं, ब्रह्मा जी, कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं धनुष बाण धारण करके रथ पर सवार होकर तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा, लेकिन मेरे लिए एक रथ बनाओ, मेरे लिए धनुष बाण की तलाश करो, तब मैं इन नगरों को पृथ्वी पर गिरा सकूंगा। देवताओं ने विचार किया, कहने लगे, हम तीनों लोगों के तत्वों को यहां इकट्ठा करके आपके लिए एक बड़ा सुंदर रथ बनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वकर्मा के रचे हुए विशाल रथ को महादेव जी के लिए तैयार किया। उन्होंने विष्णु, चंद्रमा और अग्नि को बाण बनाया। बड़े बड़े नगरों से भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपों से व्याप्त वसुंधरा को रथ बनाया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपालों को घोड़ा बनाया। मन को आधार भूमि बनाया। इस प्रकार का जब श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया महादेव जी ने कहा, रथ वगैरह सब ठीक है, पर मेरा सारथी कौन बनेगा। देवताओं ने कहा, महाराज सारथी के विषय में हमने तो कुछ सोचा नहीं, आप आज्ञा दें, आप आज्ञा दें, उसी को इस सारथी के लिए निवेदन करें। तो शंकर भगवान ने कहा, तुम स्वयं ही विचार करो, मेरे लिए इस समय कौन सारथी हो सकता है। ये सुनकर ब्रह्मा जी के पास गए देवता लोग, कहने लगे, भगवान आपने हमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हारा हित करूंगा, तो अब हित करने का समय आ गया है, भगवान शंकर योद्धा बनेंगे, आप उन योद्धाओं के सारथी बन जाइए। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा, आपके हित के लिए कुछ भी बनो, हम सारथी बनने के लिए तैयार हैं। अब ब्रह्मा जी की सब देवताओं ने बड़ी स्तुति गाई और वे सारथी बन गए, खूब अच्छे ढंग से रथ को चलाने लगे। भगवान शंकर ने पाशुपतास्त्र से उन सब का संहार किया और सारे देवताओं को संतुष्ट कर दिया, सब त्रिपुरासुर को मार दिया, सब खत्म हो गए। तो जिस समय जगतकर्ता ब्रह्मा जी ने सारथीपना स्वीकार करके देवताओं को परास्त करके, देवताओं को विजय दिलाई, दैत्यों को परास्त करके देवताओं को विजय दिलाई, इसी प्रकार हे शल्य महाराज, आप भी कर्ण के अश्वों का संचालन करने के लिए सारथी बन जाइए। महाराज, कर्ण को स्वयं परशुराम जी ने धनुर्विद्या सिखाई है। एक बात आपसे कहूं, आप बार बार कहते हो कि ये सूत पुत्र है, ये सूत पुत्र है, पर आपने कभी गहराई से अध्ययन किया होगा शल्य जी, क्या कि देखो, ये परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने गया था, यदि इसमें कोई दोष होता तो परशुराम जी इसे कभी दिव्य अस्त्र नहीं देते। मैं तो जानता हूं, समझता हूं कि कर्ण क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है और कोई न कोई देव पुत्र है, मनुष्यों के अंदर ऐसी शक्ति नहीं हो सकती। ये कवच और कुंडल पहने हुए उत्पन्न हुआ था, कवच तो क्षत्रिय धारण करते हैं ना शल्य जी, कुंडल भी तो वही धारण करते हैं, ये जन्मा तब से कवच कुंडल पहने हुए था,
फिर इसमें इतना बल, इतना पराक्रम, इसलिए इसका जन्म सूत कुल में होना किसी प्रकार संभव नहीं है। कौन बोल रहा है? दुर्योधन। फिर दुर्योधन ने कहा कि हे शल्य, सारथी तो रथि से भी बढ़कर होना चाहिए, इसलिए आप संग्राम भूमि में कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए। जिस प्रकार त्रिपुरों के नाश के लिए देवताओं ने कोशिश करके ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सारथी बनाया और ब्रह्मा जी सारथी होने में कोई संकोच नहीं किए थे, उसी प्रकार हम कर्ण से भी श्रेष्ठ आपको जानकर उसका सारथी बनाना चाहते हैं। शल्य ने कहा, राजन, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने महादेव जी का सारथ्य किया था और जिस प्रकार एक ही बाण से संपूर्ण देवताओं का संहार हुआ था, ये कथा तो मुझे भी मालूम है, तुम मुझे नया क्या सिखाते हो? और ये प्रसंग तुम कृष्ण से भी पूछ सकते हो, वो भी जानते हैं। अरे, तुम इन बातों में क्या रखा है दुर्योधन? कृष्ण तो भूत, भविष्यत और वर्तमान सबको वर्तमान की तरह जानते हैं। ये सब जानकर भी उन्होंने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार किया है। यदि किसी प्रकार कर्ण ने अर्जुन को मार भी डाला तो दुर्योधन याद रखना, अर्जुन को मरा हुआ देखकर कृष्ण चैन से नहीं रहेंगे और उसी समय में कोप करके तुम्हारी सेना में किसी एक को भी जीवित नहीं रखेंगे। इस बात को भी तुम समझ लेना। इस पर दुर्योधन कहने लगा, महाराज, क्यों ऐसी अनहोनी बातें करते हैं? कृष्ण हमारी सेना को मार देगा। हाँ, कृष्ण यदि मारता तो कब का ही मार देता, इतना बड़ा युद्ध क्यों होने देता? और कृष्ण तो यहां शस्त्र उठा भी नहीं सकता ना महाराज। आप अर्जुन की इतनी प्रशंसा करके कर्ण का अपमान न करें। ये समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, अस्त्र विद्या में पारंगत है। ये बात प्रत्यक्ष है। उस रात्रि में घटोत्कच ने कैसी सैकड़ों माया रची थी। यदि हमारे में कर्ण न होता तो हम सब तो वो युद्ध हार गए होते। आपको पता होगा ना, उस मायावी घटोत्कच का वध इसी कर्ण ने किया है। इन दिनों अर्जुन भी डर के मारे कभी डट कर कर्ण के सामने नहीं आया है। महाबली भीम को भी कर्ण ने धनुष के नोक से युद्ध के लिए उत्तेजित किया और बार बार उसको कहा, ए मूर्ख पेटपाल, मेरे सामने क्यों आया है पेटपाल, ऐसा कहकर संबोधन किया था। और क्या बताएं, इस कर्ण ने माद्री पुत्र नकुल को और माद्री पुत्र सहदेव को, दोनों को युद्ध में परास्त किया है। किस कारण से उसने नहीं मारा है ये पता नहीं है। संभवतः कर्ण ने इसलिए न मारा होगा कि इनको मारने से कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। कर्ण ने देखा होगा कि इतना बड़ा मैं योद्धा, इनको मारकर कौन सी विजय प्राप्त करूं, इनको तुच्छ योद्धा समझा। कर्ण ने वृष्णिकुल तिलक सात्यकी को युद्ध में परास्त किया, उसको रथहीन बना दिया। धृष्टद्युम्न आदि संजय वीरों को तो संग्राम भूमि में हंसते हंसते कई बार नीचा दिखाया। ऐसे महारथी कर्ण को पांडव लोग कैसे परास्त कर सकते हैं? आप क्या बोलते हैं? कर्ण तो कुपित तो हो जाए, इंद्र भी न ठहरे। और फिर आप अस्त्रों की ज्ञाता, सब विद्या में निपुण, पृथ्वी में आपके समान तो कोई बाहुबल में है ही नहीं। आप शत्रुओं के लिए शल्य हैं, सारे यदुवंशी मिलकर भी आपके बाहु पास में पड़ जाए तो छुटकारा पाना संभव नहीं है। कृष्ण क्या आपके बाहुबल में बड़े चढ़े हैं? कभी नहीं, कृष्ण से भी बड़े चढ़े आप हैं। जिस प्रकार अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण पांडव सेना की रक्षा करेंगे, उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया तो आपको हमारी विशाल वाहिनी की रक्षा करनी होगी। मैं तो आपके बल से ही
अपने भाइयों और समस्त राजाओं के ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। कर्ण ने कहा, मद्रराज, जिस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शंकर के और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका हित करते थे, उसी प्रकार आप हमारे हित में तत्पर रहें। शल्य बोले, अपनी या दूसरों की निंदा अथवा स्तुति करना श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं है, तो भी तुम्हारे विश्वास के लिए मैं अपने विषय में जो प्रशंसा की बातें कहता हूं उसको सुनो सावधानी से। मैं सावधानी से घोड़ों को हांकने, उनके गुण दोषों को जानने, उनकी चिकित्सा करने में इंद्र के सारथी मातली के समान हूं, उसकी तुम चिंता मत करो। अर्जुन के साथ युद्ध करते समय मैं तुम्हारा रथ हांक दूंगा। दुर्योधन ने कहा, कर कितने उदार हैं शल्य महाराज, कितनी बड़ी इनकी हमारे पर कृपा है। महाराज, शल्य तो कृष्ण से भी बढ़कर सारथी हैं, अब ये तुम्हारा सारथ्य करेंगे। मातली जैसे इंद्र के रथ को हांकता है, इस प्रकार तेरे रथ को हांकेंगे। आहा, कितने हर्ष की बात है, अब तो निस्संदेह तुम पांडवों को नीचा दिखा दोगे। कर्ण ने प्रसन्न होकर अपने सारथी से कहा, जो सारथी था, ए सूत, जल्दी रथ लेकर आओ। सारथी ने कर्ण के विजयी रथ को विधिवत लाकर सजाकर कहा, महाराज की जय हो, रथ तैयार है। कर्ण ने शास्त्र विधि से उसका श्रेष्ठ पूजन किया, परिक्रमा की, सूर्यदेव की स्तुति की और अपने पास खड़े हुए मद्रराज से कहा, राजन, रथ पर बैठिए। महातेजस्वी शल्य रथ के अग्रभाग पर बैठ गए। इसके बाद कर्ण भी उस पर सवार हुआ। इस समय वहां दोनों तेजस्वी वीरों का स्तुतिगान हो रहा था। महाराज शल्य ने घोड़ों की रास संभाली और कर्ण रथ पर बैठकर धनुष टंकार करने लगा, धनुष की टंकार करने लगा। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, वीरवर, मैं समझता था कि महारथी भीष्म और द्रोण अर्जुन और भीम को मार डालेंगे, किंतु वो काम नहीं कर सके। अब तुमको या तो धर्मराज को कैद करना है या अर्जुन भीमसेन नकुल सहदेव को मार डालना है। अच्छा, जाओ युद्ध के लिए तुम प्रस्थान करो, तुम्हारी जय हो, कल्याण हो, तुम पांडु पुत्रों की सारी सेना को भस्म कर दो। कर्ण ने दुर्योधन की बात स्वीकार करके राजा शल्य से कहा, महाबाहो, घोड़ों को आगे बढ़ाइए जिससे कि मैं अर्जुन भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर को मार सकूं। आज पांडवों के नाश और दुर्योधन के विजय का दिन है। मैं अपने हजारों तीखे बाणों से यह दिन साबित करना चाहता हूं। शल्य बोले, ए सूत पुत्र, तुम पांडवों का अपमान करते हो। ये तो समस्त शास्त्रों के पारगामी महान धनुर्धर, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और अजय अत्यंत पराक्रमी। अरे अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनकर के तुम भगने के लिए मुझे मत बोल देना कि मेरे प्राण बचाओ। गाल बजाना बड़ा आसान है, गाल बचाना बड़ा मुश्किल है। अपनी प्रशंसा करना, बाण पड़ेंगे, भग जाओगे इधर उधर। जिस समय भीमसेन दांत उखाड़ उखाड़ कर हाथियों का संहार करेगा, हाथियों को उठा उठा कर तुम्हारे पर पटकेगा, उस समय तुम मुझे ये मत कहना कि शल्य रथ को आगे ले जाओ, छिपाओ। जिस समय तुम महाराज युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को अपने पांड पहने बाणों से शत्रुओं का संहार करते देखोगे, उस समय ये मत कहना कि ये दृश्य मैं नहीं देख सकता हूं। कर्ण ने कहा, ठीक है रथ बढ़ाओ आप। कर्ण ने भी ऐसा ही कहा। संजय ने कहा कि महाराज, जब महान धनुर्धर कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया तो उसको देखकर कौरव सेना का आज हर्ष का कोई पार नहीं रहा। कर्ण के प्रस्थान करते ही आपके पक्ष के सब वीरों ने मृत्यु का भय छोड़कर खूब आनंद उत्सव के साथ दुंदबिया भेरियां बजाई, युद्ध भूमि में कूच किया, सारी पृथ्वी डगमगाने लगी।
परंतु चलते चलते अकस्मात कर्ण के घोड़े पृथ्वी पर गिर गए। यह कौरवों के विनाश का सूचक था। और भी कई उत्पात हुए। शल्य इस बात को समझ गए किंतु कुछ नहीं बोले और सबकी बुद्धि पर एक मोह जाल छा गया। कोई परवाह नहीं की। कर्ण के कूच करने पर सब राजाओं ने जय घोष किया और फिर कर्ण ने शल्य को संबोधित करते हुए कहा, शल्य मैं इस समय अस्त्र शस्त्र धारण के रथ में बैठा हूं और मुझे क्रोध में भरे हुए वज्रधर इंद्र से भी भय नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भीष्मादि योद्धाओं को क्या हो गया था, क्यों नहीं पांडवी सेना को उन्होंने कुचल दिया, क्यों नहीं उन्होंने अर्जुन को मार दिया, क्यों नहीं उन्होंने पांडवों को मार दिया, क्यों नहीं उन्होंने युधिष्ठिर को कैद कर लिया। अर्जुन का मुकाबला रणभूमि में मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। साक्षात उग्र रूप मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी मैं आज अर्जुन को मारूंगा। देखो शल्य, आचार्य द्रोण में शस्त्र संचालन की कुशलता थी, बल था, धैर्य था, विनय था, सब कुछ था, शस्त्र अस्त्र भी थे। वो कैसे काल के गाल में चले गए हमारी समझ में नहीं आता। और जिसमें पितामह भीष्म इतने वीर शूरवीर हमारे गुरु के वो शिष्य कैसे सरसैया पर गिर गए कुछ समझ में नहीं आता। ये तो अग्नि के समान तेजस्वी थे। कहीं कहीं उनसे युद्ध में भूल हुई है। ऐसा लगता है दुर्योधन का पुरुषार्थ कहीं ढीला पड़ गया है, तभी तो वे युद्ध में पांडवों को जीत नहीं सके। जहां सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर मौजूद है वहां भीमसेन अर्जुन कृष्ण सात्यकी संजय वीर और नकुल सहदेव डटे हुए हैं। वहां इन बड़े बड़े योद्धाओं के सामने मेरे अलावा कौन टिक सकता है, उनके साथ मैं ही दो दो हाथ कर सकता हूं। आज या तो वो मुझे मार देंगे या मैं यमराज जी के घर चला जाऊंगा। धृतराष्ट्र नंदन दुर्योधन सर्वदा मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता हूं। शल्य ये रथ भगवान परशुराम जी ने मुझे दिया है, इसकी दूरी जरा भी शब्द नहीं करती है। इसमें तरह तरह के धनुष ध्वजा गदा बाण खड्ग अनेकों बढ़िया बढ़िया हथियार रखे हुए हैं। जिस समय वह चलता है इससे वज्रपात के समान भीषण घरघराहट होने लगती है। इसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं, अच्छे अच्छे तरकश सुशोभित हैं। इस रथ में बैठकर आहा मैं अर्जुन को मार डालूंगा। अधिक क्या कहूं, उसकी रक्षा के लिए यम वरुण कुबेर कोई भी आ जाए वो आज मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ऐसी जोशीली बातें कह रहा था मद्रराज हंसे और उसका तिरस्कार करके बीच में रोक कर कहने लगी, कर्ण चुप हो जाओ ना, क्यों हमारा कान खाते हो, क्यों तुम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हो। जो आदमी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है उसका अर्थ यही होता है कि उसकी संसार में अब प्रशंसा करने वाला कोई नहीं रहा, तभी वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। कारण ये प्रशंसा तो किसी और के मुख से निकलती तो अच्छा लगता। तुम कहते हो नरश्रेष्ठ अर्जुन ना, तुम कहते हो कि नराधम अर्जुन, और अपने को कहते हो योद्धाओं में श्रेष्ठ मैं कर्ण, शर्म नहीं आती। कहना ये चाहिए कि नरश्रेष्ठ अर्जुन और नराधम तुम। अर्जुन के सिवाय ऐसा कौन सा पुरुष है जो साक्षात भगवान विष्णु से सुरक्षित है। अर्जुन के सिवाय कौन ऐसा पुरुष है जो यादवों के राजभवन को बलात् नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन का हरण कर गया और त्रिलोकी में आकर खड़ा हो गया, आओ कौन मेरे सामने युद्ध करता है। जब विराट नगर में गोहरण का समय हुआ उस समय पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने तुम्हारी सारी सेना को, द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा को, भीष्म को धूल चटा दी थी, तुम कहां गए थे।
अब आज तुम्हारे वध के लिए दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है, यदि तुम शत्रु के भय से भाग न जाओ आज तुम्हारा अंतिम दिन है। शल्य के कटु भाषण पर कर्ण को बहुत क्रोध आया और कहने का, रहने दो इन बातों को, क्यों बड़बड़ाते हो, आज तो मेरा अर्जुन का युद्ध होने ही वाला है, तुम मुझे पहली मरी हुई बात बोलते हो। सच बात तो यह है कि मैं अपने वचनों में बंधा हुआ हूं, नहीं तो अभी तुमको रथ से नीचे उतार सकता हूं, मुझे ऐसा सारथी नहीं चाहिए, पर करूं क्या, अपने वचनों में बंधा हुआ हूं, तुम जो कहोगे वो मुझे सुनना पड़ेगा। अब कर्ण ने बड़े जोर से अपने सैनिकों को उत्साहित करते हुए कहा, हे कौरव सैनिकों योद्धाओं, मेरी बात को गंभीरता से सुनो, आज तुम में से जो कोई मुझे श्वेत वाहन अर्जुन से मिलाएगा मैं उसे यथेच्छ धन दूंगा, यदि उतने से भी तृप्ति नहीं हुई तो रत्नों से भरा हुआ छकड़ा दूंगा, उससे भी यदि उसका पेट नहीं भरता तो हाथी के समान छह बैलों से जुता हुआ एक सोने का रथ दूंगा, यदि उतने से भी प्रसन्न नहीं हुआ तो 100 हाथी 100 गांव 100 सोने के रथ और 100 सुशिक्षित और हृष्टपुष्ट घोड़े तथा सुवर्ण से मढ़े हुए सिंगों वाली 400 दुधारी गौएं दूंगा, इतने पर भी प्रसन्न नहीं हो तो वह जो चाहे वो मेरे से ले लेगा, मेरे पास स्त्री पुत्र और जितनी सामग्री है जो लेगा सब देने के लिए तैयार, जो पुरुष आज मुझे कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा उन दोनों को मारकर उनका सारा धन मैं उसी को ही दे दूंगा जो मुझे कृष्ण और अर्जुन का रथ बताएगा, क्योंकि आज ये मेरे सामने नहीं आएंगे, छिपे रहेंगे। युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए कर्ण ने जब ऐसी बात कही और अपना शंख बजाया तो आपका पुत्र दुर्योधन खाखें कुदा कुदा के राजी होने लगा, दुशासन ताल ठोक ठोक करके राजी हुआ, शकुनी बड़े ताव दे दे करके बात करने लगे, बड़े प्रसन्न हुए और दुंद भी मृदंग बजाने लगे। इधर मद्रराज शल्य ने हंसकर कहा, हे सूत पुत्र, तुम्हें हाथी के समान 6 बैलों से जुता हुआ सोने का रथ देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अर्जुन तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा और तुम मूर्खता से कुबेर की तरह धन लुटाना चाहते हो, आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न किए देख लोगे और ऐसा देखोगे कि फिर तुम्हारे अंदर देखने की शक्ति नहीं रहेगी, तुम जो बुद्धिहीन पुरुषों के समान अपना सारा धन देने को तैयार हो, इससे मालूम होता है कि अब तुम्हारी मृत्यु जल्दी ही होने वाली है, कारण कि जो आदमी मरने वाला होता है वो बिना सींग पूंछ की बातें बनाता है, जो आदमी मोह के अंदर पड़ा हुआ होता है वही कृष्ण और अर्जुन की मृत्यु को देखता है। हमने कभी ये बात नहीं सुनी कि किसी गीदड़ ने सिंह को मार दिया हो, तुम्हें करने योग्य और न करने योग्य काम के विषय में कुछ भी विवेक नहीं है, क्या तुम्हारा अंतकाल आ गया, कोई भी जीवित रहने वाला पुरुष ऐसी ऊटपटांग बातें कैसे कहेगा, तुम जो काम करना चाहते हो वह ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजाओं के बल से समुद्र को पार करना चाहे अथवा पहाड़ की चोटी से कूदना चाहे। जब अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर सेना को पीड़ित करता हुआ तुम्हें पहने बाणों से मारेगा, उस समय तुम्हारे यही शब्द भी तुम्हारे छाती में चुभते रहेंगे कि मैंने ऐसे बड़बोले शब्द क्यों कहे। जिस प्रकार कोई माता की गोद में सोया हुआ बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अज्ञान से रथ में चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुन को परास्त करने की बात सोचते हो। जिस प्रकार कोई घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन में रहने वाले सिंह की ओर भूंकने लगे, उसी प्रकार तुम पुरुष सिंह अर्जुन के लिए बड़बड़ा रहे हो जब तक वो नहीं दिखता है तब तक। कारण वन में खरगोश के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता है तब तक वो अपने को सिंह मानता है, गीदड़ भी इसी प्रकार जब तक तुम रथ पर चढ़े हुए कृष्ण और अर्जुन को नहीं देख सकते तभी तक अपने आप को सिंह समझ रहे हो।
जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ेगी, तुम तत्काल गीदड़ बनकर रथ के पीछे हिस्से में जाकर बैठोगे और मुझे बहुत अन्याय विनय के साथ कहोगे, शल्य मुझे बचाओ, मेरी पिछली बातों पर ध्यान मत दो, मुझे मालूम नहीं था, मेरा प्राण जा रहा है, बचाओ शल्य बचाओ। ये तुम्हारी आवाज निकलने वाली है। जिस तरह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोक में चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह, खरगोश और हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार तुम और अर्जुन भी प्रसिद्ध होगे। तुम तो कुत्ते के समान और अर्जुन सिंह के समान। शल्य के इस प्रकार तिरस्कार के वचनों को सुनकर के कर्ण बहुत कुपित हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई। फिर कह रहा है, शल्य गुणवानों के गुणों को तो गुणीजन ही जान सकते हैं, तुम में कोई गुण होता तो हमारे गुण तुम्हारा गुण हमारे गुणों को पकड़ लेता, पर तुम्हारे अंदर अवगुण भरा हुआ है। अर्जुन के बड़े बड़े अस्त्र, क्रोध, पराक्रम, धनुष, बाण, वीरता को मैं समझता क्या हूं, मुझे समझ में नहीं आता, इतने अर्जुन से तुम डरे हुए हो। मैं सुमेरु पर्वत को तोड़ सकता हूं, अर्जुन और कृष्ण को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष पर इसका प्रयोग नहीं करूंगा। संपूर्ण वृष्णि वंशियों की लक्ष्मी श्री कृष्ण के आश्रित है और समस्त पांडवों का विजय का आधार अर्जुन है। मेरे सिवा और कौन इन दोनों से मुकाबला कर सकता है? सारे युद्ध के इस प्रांगण में मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, अर्जुन हो तो मेरे सामने आओ, कृष्ण मेरे सामने आओ। क्या है? अर्जुन के पास गांडीव धनुष है, कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, और क्या है? किंतु ये भीरू पुरुषों को डराने वाली है। मुझे तो हर्ष है, आने दो एक बार उस गांडीवधारी को, आने दो सुदर्शन चक्र वाले को। अरे तुम शल्य पाप के देश में पैदा हुए वे हो, मैं इन दोनों को आज मारकर भाई बंधुओं सहित तुम्हारा भी काम पूरा कर दूंगा। जब दोनों मर जाएंगे उसके बाद मैं तुमको इस रथ के ऊपर रहने नहीं दूंगा और उसी बाण से तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। तुम हमारे शत्रु होकर भी सुरित से बनकर मुझे कृष्ण और अर्जुन से डरा रहे हो। तुम्हारे मन में हमारे प्रति शत्रुता है और अंदर से तुम कृष्ण और अर्जुन से मिले हुए हो। कोई बात नहीं, मैंने सुना है मध्य देश का जो आदमी होता है वो बड़ा कुटिल होता है, झूठ बोलने वाला होता है। उस देश के लोग मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ते। वहां के लोग मदिरा पान करते हैं, हंसते चिल्लाते ऊट पटांग बोलते हैं, उनमें भला धर्म कैसे रहेगा? ये लोग अपने घमंड और नीच कर्मों के लिए प्रसिद्ध है। उसी देश के तो तुम हो ना? अरे बिच्छू, जिस प्रकार मध्य देश के लोगों से मित्रता नहीं हो सकती, अरे बिच्छू, वो बोलता है कर्ण, अरे बिच्छू जिस प्रकार मध्य देश के लोगों से मित्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो गया, तेरे साथ भी मित्रता नहीं हो सकती। मैं मूर्तिमान महाराज दुर्योधन का प्रिय मित्र हूं शल्य, मेरे प्राण और मेरी सारी संपत्ति उन्हीं के लिए है, किंतु मुझे मालूम होता है कि तुम्हें पांडवों ने अपनी ओर मोड़ लिया है, तभी तुम पांडवों को बिना जाने उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो। पर याद रखो, नास्तिक लोग किसी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म से विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हारे जैसे सैकड़ों पुरुष भी मुझे उत्साह से हीन नहीं कर सकते। गुरुवर परशुराम जी ने कभी पीठ दिखाने के लिए नहीं कहा, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे परास्त कर सके। ख्याल रखना, मुझे अपने दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र के लिए तुम्हारे कड़वे वचन सहने हैं तो सहूंगा, परंतु ये योद्धाओं की नीति नहीं है। दूसरे तुम्हें मारने से निंदा होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा का वचन दिया है, इसलिए तुम अभी तक जीवित हो, नहीं तो कर्ण आज तक अपने जीवन में ऐसी कटु वचन की बातें नहीं सुनी है। चलो आगे बढ़ाओ रथ। इस पर
संजय ने कहा कि कर्ण के ये वचन सुने तो शल्य ने कहा कि देखो इससे पहले मेरे से एक कथा सुन लो। वो कथा ये कल सुनाएंगे। युद्ध करने से पहले मेरी एक कथा सुन लो, उस पर विचार कर लो, उसके बाद तुम चलो युद्ध करने के लिए। मन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण।